हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिल की पतली पपड़ी बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। गैस पे ये कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। इसी के अंदर मैं एक कप तिल डाल रही हूँ। आप किसी भी कप या कटोरी से इसे नाप सकते हैं। मैंने बिल्कुल व्हाइट वाले जो तिल आते हैं वो ले लिए। इन्हें मैंने अच्छे से धोकर और साफ कर लिया था। इसे हमें सिर्फ 5 मिनट रोस्ट करना है। इसमें ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। गैस को लो और आपको मीडियम रखना है। मुझे तिल को भूनते हुए 5 मिनट का समय हो चुका है। देखिए, तिल का कलर जो है काफी अच्छे से चेंज हो गया। बिल्कुल लाइट कलर चेंज हुआ है इसका, और इसके जो दाने हैं वो भी काफी अच्छे से फूल गए हैं। देखिए, साइज भी इनका एकदम बड़ा बड़ा हो गया है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ, इसे आप साइड में रख दीजिए। गैस पे मैंने छोटे साइज का पैन गरम करने के लिए रखा है। मैंने एक कप शक्कर लिए, उसी में से मैं जितना आप बनाना चाहें उतनी शक्कर ले लीजिए। 2 चम्मच, मैं 3 चम्मच इसके अंदर शक्कर डाल रही हूँ। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। इसे आप पूरे पैन में फैला दीजिए। पैन काफी गर्म है, इसलिए गैस को मैंने बिल्कुल लो और मीडियम रखा है। ये इसी में इसी तरह से आराम से मेल्ट हो जाएगी। इसमें आप पानी बिल्कुल भी मत डालिए। पानी डाल देंगे अगर तो ये पूरी हमारी खराब हो जाएगी। शुगर हमारी जब तक मेल्ट हो रही है, दूसरी तैयारी कर लेते। मैंने थोड़ा सा घी लिया, इतना घी हमें नहीं लगेगा। थोड़ा सा इस तरह से मैंने लकड़ी का पाटा लिया। आप चाहते इसे प्लास्टिक शीट पे बना सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर इसे आप बना सकते हैं। मैंने इसमें पूरा अच्छे से घी लगा दिया है। साथ में मैंने बेलन लिया है। बेलन के ऊपर भी आपको थोड़ा सा अच्छे से घी लगाना है। घी आप अच्छे से लगाइए ताकि बिल्कुल भी हमारी चिपके नहीं। इन दोनों चीज को आपको पहले से ही तैयार कर रखना है। देखिए, इतनी देर में हमारी शुगर भी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसमें अभी हमें चम्मच वगैरह कुछ नहीं चलाना है। जो बची हुई शक्कर है इसी भी पे आप कर दीजिए। कुछ सेकंड इसी तरह से रुके रहिए, ये पूरी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, काफी अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। बिल्कुल हल्की हल्की सी और बची है, इसे भी हम इसी तरह से फैला देंगे। शक्कर को हमें बिल्कुल अच्छे से मेल्ट करना है। इसमें किसी भी प्रकार के दाने नहीं दिखना चाहिए। ये देखिए, काफी अच्छे से मेल्ट हो गए। पूरा लिक्विड हो गया है। इसका कलर भी जो था वो चेंज हो गया है। बस हमें इसी तरह से शुगर चाहिए। जिस चम्मच से नाप कर हमने शक्कर ली थी, उसी चम्मच से नाप के मैं तिल्ली ले रही हूँ। तिल्ली हमें सिर्फ 2 ही चम्मच डालना, इससे ज्यादा नहीं डालना। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। थोड़ी सी इसमें मैं बादाम की बारीक कतरन जो रहती है उसे डाल रही हूँ। इसे हम मिक्स कर देंगे। गैस को आपको तुरंत बंद करना है। बिल्कुल भी ज्यादा गैस चालू नहीं रखना है। देखिए, हमारी बस मिक्स हो गई है। इसे हमें बिल्कुल भी पकाने की जरूरत नहीं है। जो हमने पाटे को तैयार करके रखा था, इसे आप पूरा इकट्ठा कर लीजिए। पूरा हम इसी पे डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा फैला देंगे। चम्मच से बस हल्का सा इसे शेप दे दीजिए। तुरंत हमारी जमना स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा इसे टाइम हमें नहीं देना है, इसे हम तुरंत पे देंगे। स्टार्टिंग में नरम है, हल्का सा आपको इस लगे इतना चिपक रहा है। उसके बाद जैसे ही ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं चिपकेगी। जितनी पतली चाहे उतनी पतली से आप बेल सकते हैं। ये देखिए, जैसे ठंडी होना स्टार्ट हो गई है, चिपकना हमारी बंद हो गई है। बढ़ना भी बंद हो गई है। एक बार में सिर्फ आपको एक ही बनाना है। आप ज्यादा बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो ये हमारी नहीं बन पाएगी। बस ये बिल्कुल भी नहीं इसका साइज बढ़ रहा है। इसे आप इसी तरह से कुछ सेकंड ठंडा होने दीजिए। बिल्कुल हल्की सी ये ठंडी हो गई है। इस तरह से ये देखिए, इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। बस थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसे आपको निकालना है। कितनी बढ़िया और एकदम पतली, आप खुद देख सकते हैं कितनी पतली बनी है। इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। इसे हमें ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। देखिए, पूरी अच्छी सी हमारी कड़क हो गई। आप देख सकते हैं पतली कितनी है। ये देखिए,
एकदम पतली। इस तरह से अगर आप हाथ देखेंगे तो ये हाथ भी मेरा अंदर से नजर आ रहा है। ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है, देखिए कितनी बढ़िया है। देख सकते हैं ये मेरा हाथ भी इसमें से ये आपको नजर आएगा। देखिए एकदम बढ़िया क्रिस्पी और एकदम पतली। ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कोई ड्राई फ्रूट्स डालना तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक पीस मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना पतला है, एकदम पतला। इसे हम ये देखिए इस तरह से तोड़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा, इतना एकदम सॉफ्ट और खस्ता हमारी बनी है। इसकी आवाज भी आप सुन सकते हैं, ये देखिए कुछ पीस मैंने इस तरह से तोड़ के रखे, कितनी बढ़िया क्रिस्पी आवाज है, एकदम पतली और खाने में एकदम बढ़िया टेस्टी है। बस ध्यान यही रखना है इसको आपको कि आपको हर बार पैन को साफ करना है, उसके बाद ही बनाना है। शुगर को मेल्ट करते समय इसमें बिल्कुल भी आपको पानी का यूज नहीं करना है, बिना पानी यूज करे ही आपको शक्कर को मेल्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह से पतली और क्रिस्पी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।